हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरे YouTube चैनल यानी टीचिंग क्लासेस सविता सिंह के FT में आप सभी को स्वागत है। तो आइए, आज नोटपैड में आप सभी को फाइल मेनू, फॉर्मेट मेनू और व्यू के बारे में समझाती हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में एडिट मेनू के बारे में, पूरे ऑप्शन के बारे में कवर की हूँ। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप लोग फाइल मेनू और फॉर्मेट और व्यू मेनू को देखिएगा। तो आइए, नोटपैड कैसे ओपन किया जाता है पहले उसी को समझा रही हूँ यहाँ पे। तो नोटपैड ओपन करने के लिए सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो इसमें मैं अपने कर्जर को रखूँगी यानी माउस के लेफ्ट बटन पुश करूँगी और यहाँ पे टाइप करूँगी नोटपैड। देखिए, मैं जैसे ही नोटपैड टाइप की तो यहाँ पे दिखाना स्टार्ट हो गया नोटपैड। इसी पे माउस के लेफ्ट बटन मैं पुश कर दूँगी और पुश करने के बाद इसको अगर बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करूँगी, तो देखिए ये बड़ा हो गया। अब मैं क्या बताई हूँ कि यहाँ पे फाइल मेनू के बारे में बताने के लिए, यानी कि सबसे पहले फाइल मेनू बताऊँगी और उसके बाद फॉर्मेट और उसके बाद व्यू मेनू बताऊँगी, क्योंकि एडिट मेनू यहाँ पे क्लास हो रहा था तो एडिट मेनू को पहले कवर कर दी हूँ और उसके बाद फाइल मेनू भी पढ़ा दी थी, लेकिन ये छूट गया है तो यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए, फाइल मेनू पे जैसे ही मैं क्लिक की तो सबसे पहले न्यू दिखा रहा है। तो न्यू का मतलब क्या होता है? नया, यानी कि ये पेज जो दिखाई दे रहा है, अगर हमें कोई नया पेज लेना होगा तो इसमें मैं क्लिक करूँगी और न्यू पे क्लिक करूँगी तो ये नया पेज आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ मैं टाइप कर रही हूँ और टाइप करने के बाद अगर मैं कुछ यहाँ पे सेव कर देती हूँ इसको, यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे सेव लिखा है इस पे क्लिक करके, और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे नाम मांग रहा है तो देखिए यहाँ पे कोई नाम डालती हूँ, और नाम डालने के बाद जैसे अपना नाम डालती हूँ और डालने के बाद हमें जहाँ भी सेव करना होगा, जैसे हमें डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप पे मैं क्लिक कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे लिखा है सेव, तो सेव पे क्लिक करूँगी और जैसे ही सेव पे क्लिक करूँगी तो देखिए ये टाइटल बार में दिखाना स्टार्ट हो गया, यानी नोटपैड आपके पास ऊपर में दिखा रहा है। अब मान लीजिए हमें दूसरा पेज लेना होगा तो मैं क्या करना होगा, इसी फाइल मेनू पे मैं क्लिक करूँगी और करने के बाद न्यू पे क्लिक करूँगी तो ये हमारा नया पेज आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि देखिए, ओपन यानी कि जो मैं फाइल को सेव की थी, अगर हमें उसी को ओपन करना होगा तो ओपन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, इसी पे मैं क्लिक करूँगी और क्लिक करने के बाद कहाँ पे फाइल सेव की थी तो ये डेस्कटॉप पे, तो ये डेस्कटॉप पे मैं जाऊँगी यहाँ पे और जाने के बाद अपने फाइल को सेलेक्ट करूँगी। देखिए, मैं अपने नाम से फाइल को यहाँ पे सेव की हूँ तो इसी पे क्लिक करूँगी और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दूँगी, तो देखिए ये मेरा फाइल यहाँ पे ओपन हो गया। देखिए यहाँ पे फाइल दिखा रहा है और यहाँ पे अपने टाइटल बार में जिस नाम से मैं सेव की थी उस नाम से यहाँ पे दिखा रहा है। फिर मान लीजिए फाइल मेनू पे क्लिक करती हूँ तो न्यू का मतलब नया पेज यहाँ पे क्रिएट करना, और ओपन का मतलब जो फाइल को मैं सेव कर दी, अगर उसी फाइल को ओपन करना है तो ओपन करने के लिए यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे सेव और सेव एज लिखा है, और सेव एज सेव एज दोनों में डिफरेंट क्या है? तो सेव का मतलब होता है ये फाइल को सेव करना, और सेव एज का मतलब होता है कि जो फाइल मैं सेव कर ली हूँ उसको डुप्लीकेट बनाना। तो अगर हमें डुप्लीकेट बनाना होगा तो सेव एज का यूज करूँगी, अगर हमें ओरिजिनल फाइल सेव करना होगा तो सेव का यूज करूँगी। तो ओरिजिनल फाइल तो मैं सेव कर ली हूँ, अब हमें डुप्लीकेट बनाना है तो डुप्लीकेट के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, मान लीजिए सविता यहाँ पे KFT लगाना है तो इसमें यहाँ पे फाइल पे सेव एज पे क्लिक करूँगी और सेव एज पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आया। अगर मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगी तो ये सेव काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे क्लिक की और क्लिक करने के बाद जैसे ही सेव पे क्लिक कर रही हूँ तो सेव पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ओपन हो रहा है? क्योंकि आपके पास सेव जो है ऑप्शन, ये सेव हो चुका है। अब हमें जो भी इसमें फाइल को लिखना होगा, जैसे कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे, अगर इसमें कुछ भी जोड़ना होगा तो जोड़ने के लिए सेव एज करना पड़ेगा। तो इसीलिए बताई हूँ कि सेव और सेव एज दोनों में डिफरेंट क्या है। तो सेव का मतलब
मतलब फाइल को सेव करना, और सीवेज का मतलब होता है जो फाइल मैं सेव कर दी उसको डुप्लीकेट बनाना। तो यहाँ पे डुप्लीकेट बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो डुप्लीकेट के लिए यहाँ पे क्लिक की, देखिए ये ओपन हो गया। अगर यही सेव पे मैं क्लिक करती तो नहीं होता। अब हमें क्या करना है कि जहाँ भी फाइल सेव करना है उसमें से सिलेक्ट करूँगी। जैसे हमें डेस्कटॉप पे करना है, डेस्कटॉप पे ले गई और उसके बाद इस नाम में कुछ भी चेंजिंग कर देती हूँ। जैसे इसके साथ में KFT लगा देती हूँ, KFT लगाने के बाद हमें मान लीजिए डेस्कटॉप पे ही सेव करना है, तो डेस्कटॉप को ले ली और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दी। तो देखिए ये मेरा अब यहाँ पे सेव में दिखा रहे सविता KFT, यानी कि अब मेरा नाम यहाँ पे चेंज हो चुका है क्योंकि मैं डुप्लीकेट पेज को बना दी हूँ। यानी कि सेवेज का मतलब ही होता है डुप्लीकेट फाइल को बनाना। तो न्यू से क्या होता है, नया पेज लिया जाता है। ओपन से क्या होता है, ये फाइल को ओपन कर सकते हैं। और जो सेव होता है, यानी सेव और सेवेज में क्या होता है कि सेव का मतलब ओरिजिनल फाइल को सेव करना और सेवेज का मतलब होता है ये डुप्लीकेट फाइल को सेव करना। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब होता है कि यहाँ पे मान लीजिए हमें पेज का मार्जिन छोड़ना है, लेफ्ट राइट टॉप डाउन जहाँ पे भी जितना छोड़ना होगा उतना मैं यहाँ से छोड़ सकती हूँ। मार्जिन का मतलब होता है चौथाई, यानी कि लेफ्ट राइट टॉप डाउन में जितना हमें हटाना है उतना हटा सकती हूँ। देखिए जैसे ही मैं पेज सेटअप पे क्लिक की तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे देखिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अब यहाँ पे सबसे पहले पेपर बता रहे हैं, पेपर में बोल रहा है कि हमें पेपर का साइज कौन सा रखना है। तो यहाँ से पेपर का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमें A4 का साइज रखना है तो A4 का साइज मैं ले ली। लेने के बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन में बता रहा है प्रोटेक्ट एंड लैंडस्केप, यानी पेज हमें लंबा चाहिए या चौड़ा चाहिए। प्रोटेक्ट का मतलब होता है लंबा और लैंडस्केप का मतलब होता है चौड़ा। जैसे मान लीजिए हमें लैंडस्केप चाहिए तो देखिए ये पेज हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। अगर हमें प्रोटेक्ट चाहिए तो देखिए यहाँ पे पेज हमारा लंबा हो गया। तो आपको जो भी रखना है, यानी जो पेज जैसे रखना है, लंबाई और चौड़ाई में रखना है, तो आप उसे यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। प्रोटेक्ट यानी कि लंबा और लैंडस्केप को मानी चौड़ा। तो हमें लैंडस्केप नहीं करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट पे मैं क्लिक कर दी। अब आइए मार्जिन समझाती हूँ। तो मार्जिन का मतलब होता है ये आपको जो चौथाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर हमें ये चौथाई को बढ़ाना या घटाना है तो उसके लिए देखिए यहाँ पे 20 का साइज है। अगर हमें इसको कम कर दूंगी तो ये इसका मार्जिन कम हो जाएगा। अगर अधिक करना है तो यहाँ पे कर्जर रखिए, यानी माउस के लेफ्ट बटन को यहाँ पे पुश कीजिए और इस साइज को हटा दीजिए। देखिए मैं जैसे ही इसमें कुछ भी साइज नहीं है तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, यानी एक भी मार्जिन यहाँ पे नहीं छूटा हुआ है। जैसे हम लिख दिए यहाँ पे 40 यानी 40, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट से कितना मेरा मार्जिन छूटा, तो 40 का छूट गया। अगर हमें राइट साइड से उसी प्रकार से छोड़ना है तो इसको हटाऊंगी और यहाँ पे 40 का रख दूंगी। आगे देखिए इसके बाद लिखा गया है टॉप। अगर टॉप से भी हटाना होगा तो इसको हटाऊंगी और यहाँ पे टॉप पे कर दूंगी। अगर बटन से करना है, बटन का मतलब होता है नीचे, तो यहाँ पे करके अगर जितना छोड़ना है उतना ले लूँगी और लेने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगी। यानी हमारा पेज उतना ही यहाँ पे मार्जिन छूट जाएगा, क्योंकि ये पेज बहुत बड़ा है इसीलिए यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। इसीलिए आप सभी को यहाँ पे बताई हूँ यानी सारे पेज को यहाँ पे सेटिंग करके यहाँ पे बताई हूँ। तो आप सब यहीं से सीख लीजिएगा जो भी मार्जिन छोड़ना है। आइए एक बार और समझा देती हूँ। यानी पेपर का यानी साइज, हम लोग का पेपर का साइज क्या होना चाहिए, A4 का होना चाहिए। तो यहाँ पे A4 सेलेक्ट की। आगे लिखा गया है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन दिया है, एक प्रोटेक्ट और एक लैंडस्केप दिया है। तो प्रोटेक्ट का मतलब होता है पेज को लंबा करना, यानी अगर हमें इस रूप में पेज को प्रिंट करके निकालना होगा तो उसके लिए प्रोटेक्ट। अगर हमें चौड़ा में पेज को निकालना होगा यानी इस प्रकार से, तो यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक करूँगी। तो देखिए एक बार क्लिक करके दिखाती हूँ। जैसे ही इस पर माउस का लेफ्ट बटन पुश करूँगी तो देखिए ये चौड़ा पेज हो गया। तो ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया है। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए मार्जिन छोड़ना है। तो मार्जिन, इसमें मार्जिन का मतलब होता है चौथाई, हमें कितना लेफ्ट राइट टॉप डाउन से छोड़ना है। तो यहाँ पे लेफ्ट में जितना मैं कम करूँगी उतना मैं यहाँ पे कम कर सकती हूँ। आगे आपके पास जैसे यहाँ पे ओके करूँगी वही हमारा साइज हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि पेज सेटअप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे लिखा गया है प्रिंट और एग्जिट।
तो प्रिंट का मतलब होता है कि अगर हमें इस पेज को प्रिंट करके निकालना होगा तो मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगी। तो देखिए जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करूँगी तो इसका भी कुछ ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा। तो ध्यान रहे कि अगर हमें कोई भी प्रिंट निकालना होगा उसका सॉफ्टवेयर यहाँ पे प्रिंटर का होना चाहिए। तो हमें देखिए यहाँ पे प्रिंटर का मान लीजिए हमें ये सॉफ्टवेयर है, अगर हमें प्रिंट करके निकालना होता तो मैं इसी को सेलेक्ट करती। आप सभी को अगर प्रिंट निकालना है तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर में प्रिंटर का सॉफ्टवेयर डालिए और प्रिंटर रखिए, तभी जब का आपका प्रिंट निकल पाएगा, नहीं तो ऐसे प्रिंट करेंगे तो नहीं निकलेगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, अगर हमें निकालना होता है तो इसको सिलेक्ट करती और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पेज अगर ऑल यानी कि 10 पेज हमें निकालना होता तो ऑल पे क्लिक करती। और करने के बाद यहाँ पे दिया है कितना पेज हमें चाहिए, मान लीजिए जितना पेज चाहिए उतना पेज को सिलेक्ट करूँगी। अब यहाँ पे दिया है मान लीजिए प्रिंट ऑफ फाइल, फाइल पे क्लिक करूँगी। तो देखिए यहाँ पे वही ऑप्शन बता रहा है कि हमें पेज कैसा चाहिए, प्रोटेक्ट चाहिए या पेज हमें लैंडस्केप चाहिए। यानी प्रोटेक्ट एंड लैंडस्केप मतलब अभी बताई हूँ लंबाई और चौड़ाई। अगर हमें पेज को लंबा में निकालना होगा तो प्रोटेक्ट, अगर हमें चौड़ा में निकालना होगा तो लैंडस्केप करूँगी। तो हमें जैसा निकालना होगा वैसा यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे ओके कर दूँगी। उसी प्रकार से अगर प्रिंट निकालना है तो यहाँ पे अप्लाई और प्रिंट पे क्लिक कर दूँगी। तो ये हमारा प्रिंटर से क्या होगा, प्रिंट होके बाहर निकल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि प्रिंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे दिया हुआ है एग्जिट। तो एग्जिट का मतलब होता है कि ये प्रोग्राम जो ओपन किए हैं उस प्रोग्राम से हमें बाहर आना है, यानी इस प्रोग्राम को क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए एग्जिट पे क्लिक करूँगी या इसका शॉर्टकट के यहाँ पे जो लिखाई हो अल्ट प्लस F4, अगर अल्ट प्लस F4 भी पुश करती हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ से बाहर आ जाऊँगी। तो देखिए अभी नहीं करूँगी क्योंकि ये पूरे बाहर आ जाऊँगी। तो पहले ये दोनों ऑप्शन समझा के उसके बाद एग्जिट बता दे रही हूँ। तो आइए फॉर्मेट मेनू समझाती हूँ। तो फॉर्मेट में दिया है वर्ड रैप। तो सबसे पहले वर्ड रैप होता क्या है इसको बताती हूँ। देखिए मैं यहाँ पर जो भी लिख रही हूँ तो ये अंदर जा रहा है। देखिए यहाँ पे जितना भी सेंटेंस लिखूँगे ये पूरा अंदर की तरफ आपके पास दिखा रहा है। अगर हमें जितना ये डेस्कटॉप दिखा रहा है इतना ही दूर में हमें जो भी वर्ड लिखूँगी उतना रखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, फॉर्मेट पे क्लिक करूँगी और रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगी। अब देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगी और जो भी लिखूँगी ये हमारा डेस्कटॉप पे ही शो करेगा। ये पेज बहुत बड़ा है इसलिए अगर देखिए इस पेज को छोटा करके दिखाती हूँ। यहाँ पे पेज छोटा करूँगी, छोटा हो जाएगा यहाँ पे पेज, रुकी छोटा हो गया। अब देखिए फॉर्मेट पे मैं क्लिक की और यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दी हूँ, यानी कि सही का निशान लगा दी हूँ तो ये आ गया है। अब मैं यहाँ पे बताई हूँ कि जो भी लिखूँगी तो ये देखिए इसी डेस्कटॉप पे यहाँ पे आएगा। देखिए ये नीचे आया। अगर मैं इसको हटा देती हूँ, जैसे रैप टेक्स्ट को हटा दी, तो देखिए जब तक ये प्रोटेक्ट का पेज पूरा नहीं भरेगा, यानी प्रोटेक्ट और लैंडस्केप जो बताई हूँ, यानी ये लैंडस्केप पेज हो चुका है, यानी कि ये चौड़ाई में हो गया है। जब तक ये पूरा अपने पेज को नहीं कवर करेगा तब तक ये नीचे नहीं आने देगा। इसलिए हमें यहीं पे दिखाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे जितना मेरा दिखा रहा है इतना ही दूर में वर्ड दिखाई दे, तो उसके लिए रैप टेक्स्ट का यूज कीजिएगा, वर्ड रैप का। देखिए मैं इस पर क्लिक कर दी, सारे हमारा वर्ड यहाँ पे दिखाना स्टार्ट हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी अच्छे से समझ में आया। अब आगे दिया गया है फॉन्ट। तो अगर हमें फॉन्ट को यानी ये जो राइटिंग लिखा गया है इसे चेंज करना है या इसका साइज चेंज करना है तो ये फॉन्ट से होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहीं पर क्लिक करती हूँ, क्लिक करने के बाद देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो गया। अब हमें जो भी साइज करना होगा, जैसे यहाँ पर बता रही हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये साइज दिया हुआ है, इतना साइज आपके पास दिखा रहा है, तो इस साइज में से मान लीजिए हमें कौन सा यहाँ पे स्टाइल रखना है। पहले इस राइटिंग को चेंज करती हूँ। तो देखिए जो भी यहाँ से स्टाइल मैं सिलेक्ट करूँगी, जैसे हमें ये स्टाइल चाहिए, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे ओके करूँगी, तो देखिए वही स्टाइल में मेरा फॉर्मेट बन गया। अब मान लीजिए मैं दूसरा करना चाहती हूँ तो फिर से फॉन्ट पे ही क्लिक करूँगी और देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसका ऑप्शन खुला और यहाँ से जो चेंजिंग करना है, जैसे हमें और भी यहाँ पे फॉर्मेट बहुत सारे दिया हुआ है, जैसे हमें इस फॉर्मेट में बनाना है उसी पे मैं क्लिक करती हूँ।
आगे दिया है साइज। अगर हमें साइज को बढ़ाना या घटाना है तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, देखिए 8 से लेकर 72 तक दिया हुआ है, तो अगर हमें यहाँ पे 48 का करना है तो 48 पे क्लिक करूँगी और इस पर ओके कर दूँगी, तो देखिए ये 48 का साइज हो गया। अगर छोटा करना है तो फिर से फॉर्मेट पे क्लिक करूँगी, फिर से फॉन्ट पे जाऊँगी और जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये फिर से ऑप्शन आ गया और यहाँ पे आपके पास 8 से लेकर 72 तक दिखा रहा है। अगर हमें 72 के एबव जाना है या 8 के नीचे आना है यानी तो क्या करूँगी, ये कर्जर दिखाई दे रहा है यानी कि जो ये बक्स दिखाई दे रहा है इसमें मैं अपना कर्जर रखूँगी यानी माउस के लेफ्ट बटन को यहाँ पे पुश करूँगी, तो देखिए कर्जर ब्लैकिंग कर रहा है। अब यहाँ पे कीबोर्ड से बैक स्पेस का यूज करूँगी और हटा करके अगर हमें 4 का साइज करना है, 5 का करना है, तो यहाँ पे टाइप कर दूँगी क्योंकि इसमें 8 के पहले और 72 के नीचे साइज नहीं दिया रहता है, तो अगर हमें बढ़ाना है या घटाना है तो यहीं पे टाइप करके और यहाँ पे ओके करूँगी तो वही मेरा साइज यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 का साइज दिखाना स्टार्ट कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फॉन्ट। आगे यहाँ पे समझते हैं व्यू मेनू में, तो व्यू मेनू में लिखा गया है जूम, तो जूम का मतलब होता है जो ये लिखा गया है इसको बड़ा करना, तो देखिए जैसे ही जूम पे क्लिक करके जूम इन कर रही हूँ, तो देखिए जूम इन से क्या होता है, इसका साइज को बड़ा करना, जूम इन से यहाँ पे बड़ा कर सकती हूँ, देखिए यहाँ पे बड़ा हो रहा है, यहाँ पे बड़ा, जितना बड़ा करना है यहाँ पे जूम इन पे क्लिक करूँगी तो ये बड़ा होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा या कंट्रोल के साथ प्लस बटन को दबाऊँगी। याद रखिए यहाँ पे कि अगर हमें बड़ा करना है तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है, यानी कि जूम इन का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस, और जूम आउट का मतलब होता है साइज को छोटा करना, तो कंट्रोल माइनस, तो अगर हम माइनस करूँगी तो छोटा होगा, अगर मैं कंट्रोल के साथ प्लस 1 दबाऊँगी तो ये मेरा बड़ा होगा। तो आइए कीबोर्ड से करती हूँ, कंट्रोल बटन दबाती हूँ और प्लस बटन को दबाती हूँ, जैसे ही दबाऊँगी प्लस बटन को तो देखिए ये बड़ा होना स्टार्ट हो गया। या अगर आप लोगों को कीबोर्ड से नहीं हो रहा है तो क्या करना है, यहाँ पे जाना है व्यू पे और जूम पे क्लिक करना है और जूम इन पे क्लिक करना है, जूम पे क्लिक करना है हर जूम इन पे ये बड़ा हो जाएगा। अगर छोटा करना है तो उसी प्रकार से यहाँ क्लिक करके जूम इन करूँगी तो यहाँ पे छोटा हो जाएगा, नहीं तो इससे अच्छा है कीबोर्ड से आप सभी कीजिए, कंट्रोल और माइनस दबा रही हैं, देखिए ये छोटा हो रहा है, अगर प्लस दबाऊंगी तो बड़ा और माइनस दबाऊंगी तो छोटा हो जाएगा। आगे देखिए और क्या दिया है ऑप्शन, देखते हैं यहाँ पे व्यू में एक दिया है स्टेटस बार, तो स्टेटस बार कहाँ पे शो करता है, तो देखिए मैं पेज में यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये आपको एक बॉर्डर के जैसा दिखा रहा है, यही मेरा स्टेटस बार होगा होता है। अगर मैं एक बार क्लिक करूँगी तो शो करेगा, दूसरा बार में ये हाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे व्यू पे जाते हैं और स्टेटस बार पे देखिए सही का निशान है इसलिए वहाँ पे शो कर रहा है, अगर मैं इसको हटा दूँगी तो ये शो नहीं करेगा, इस पे क्लिक की देखिए ये हट गया। अब मैं यहाँ पे देखिए दिखाना बंद कर दिया, यानी स्टेटस बार को ऐसे मैं हटा सकती हूँ। देखिए एक बॉर्डर यहाँ पे स्टेटस बार आपके पास है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ तो देखिए ये सही का निशान लग गया, तो यहाँ पे आऊँगी तो देखिए ये दिखा रहा है स्टेटस बार, यहाँ पे स्टेटस बार क्या हो रहा है दिखा रहा है, स्टेटस बार यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मान लीजिए मैं स्टेटस बार को यहाँ से क्लिक कर दी, ये सही का निशान हटाती, देखिए ये हट गया, अब मेरा स्टेटस बार हट गया, फिर से क्लिक करूँगी फिर आ जाएगा, तो ये एक बार में क्या काम करता है, शो करता है और दूसरे बार में हाइड करता है। तो आप सभी को जूम और स्टेटस बार फॉर्मेट में वर्ड वराइक और फॉन्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे फाइल मेनू में भी बहुत सारे ऑप्शन है जो कवर की हूँ, और न्यू विंडोज लिखा है, न्यू विंडोज का भी मतलब होता है नया पेज को लेके आना, और ध्यान रहे कि इधर जितना सारे शॉर्टकट की लिखा गया है ये सारा शॉर्टकट की है, जैसे ही अगर मान लीजिए हमें कीबोर्ड से करने के लिए बात होगा तो यहाँ पे यही सारे शॉर्टकट की को पुश करूँगी तो ये सारा काम करना स्टार्ट हो जाएगा। अब एग्जिट समझा देती हूँ, तो यहाँ पे एग्जिट करने के लिए क्या करूँगी, या तो इस पे माउस के लेफ्ट बटन को पुश कर दूँगी और नहीं तो कीबोर्ड से Alt और F4 पुश करूँगी, जैसे ही Alt F4 पुश करूँगी तो इससे बाहर आ जाऊँगी, तो देखिए मैं कीबोर्ड से कर रही हूँ,
सॉरी यहाँ पे माउस से कर रही हूँ, कीबोर्ड से भी करके बता दूँगी। यहाँ पे करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन जैसे ही पुश की और यहाँ पे डोंट सेव कर रही हूँ, तो देखिए मेरा नोट पैड यहाँ से भी बंद हो गया, यानी उससे मैं बाहर आ गई। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आया होगा। आप दोनों तरीका से कीजिएगा, माउस से और कीबोर्ड से। मैं दोनों तरीका से बताना स्टार्ट करूँगी, यहाँ पे बहुत समय लग जाएगा। तो आप सभी को ये सारे ऑप्शन कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप सब कमेंट बॉक्स में दिखाइए कि हमें कीबोर्ड से करने नहीं आ रहा है, तो मैं उसको देख करके आप सभी को बताने की प्रयास करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से ये सारे ऑप्शन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप सभी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू।